हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस सैन फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज के वीडियो में मैं आपसे रिवील करने वाली हूँ वेट लॉस और बेली फैट लॉस का सबसे बड़ा सीक्रेट। एंड आई प्रोमिस यू, ये सीक्रेट आपको किसी बुक में, किसी और वीडियो में या फिर कोई फिटनेस एक्सपर्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको देगा, बट इट इज़ ह्यूज। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी के साथ करना चाहूँगी एंड इनफैक्ट इस स्टोरी के एंड में ही छुपा है वेट लॉस का वो सीक्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो 100 साल से भी ज़्यादा, 110-111 साल पुरानी है। सो जैसे मार्स के ऊपर जाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में तगड़ा कंपटीशन था, वैसे ही 20th सेंचुरी में कंपटीशन था कि कौन सबसे पहले साउथ पोल में जाएगा, वहाँ जाकर अपना झंडा लहराएगा। तो वहाँ की वेदर कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ आपका टेम्परेचर जो होता है वो होता है -40 डिग्री, -50 डिग्री, वो एक डिफ़िकल्ट मिशन था। तो वहाँ जाकर अपना परचम लहराना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होने वाली थी। ऐसे में 1911 में बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने सोचा कि वो ऐसा करेंगे, सबसे पहले करने वाले देश बनेंगे। और दो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसा सोचने के बाद असल में इसे करने के लिए कदम बढ़ाया, और वो दो देश थे ब्रिटेन एंड नॉर्वे। तो एक टीम ब्रिटेन की और एक टीम नॉर्वेनियन टीम जो थी इस जर्नी पर रवाना हुई। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इस जर्नी की बात करूं तो ये 900 माइल्स की जर्नी थी, यानी 1450 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि वो जो रास्ता था वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी सर्वाइवल के लिए। दोनों ही देशों ने अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पर अपनी जर्नी शुरू की। ब्रिटेन की टीम ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई और नॉर्वेनियन टीम ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटेन की जो टीम थी उसकी क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने सोचा कि जब वेदर कंडीशंस अच्छी होंगी तो वो एक लंबा मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा उस दिन कवर करने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन कंडीशन थोड़ी ख़राब होगी वो थोड़ा कम चलेंगे। तो ऐसे में ऐसे भी दिन आए जब एक दिन के अंदर ब्रिटिश टीम ने 57 माइल्स का डिस्टेंस एक दिन में कवर किया, यानी 91 किलोमीटर्स इन वन डे। ये मैक्सिमम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, लेकिन उसके बाद वो इतने ज़्यादा टायर्ड होने लगे कि बैड कंडीशन वाले दिन वो एक इंच तक नहीं चल पाए। इनफैक्ट जब इनकी डायरिया पढ़ी गई जो ये जनरल लिखते थे उसमें पढ़ा गया, तो उन्होंने उन डेज को अपनी लाइफ का वर्स्ट डे बताया था कि ह्यूमन रेस में ना कभी उन्होंने ऐसे दिन और ऐसी कंडीशन के बारे में सुना था ना उसे देखा था, तो उनके लिए कंप्लीट ये एक हॉरर फिल्म के जैसा था। अब बात करते हैं नॉर्वेनियन टीम की अप्रोच की। उन्होंने अप्रोच अपनी बहुत ही सिंपल रखी। रॉल्ड एमर्सन एक बहुत ही एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर थे और वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज को अपनाने के लिए जाने जाते थे। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक दिन में वो सिर्फ 15 माइल चलेंगे, यानी 28 किलोमीटर्स, जिस दिन वेदर कंडीशन अच्छी होंगी या जिस दिन नहीं होंगी। ऐसे में जब अच्छी कंडीशन के दिन भी सिर्फ उनकी टीम ने 28 किलोमीटर कवर किया, तो बैड कंडीशन वाले दिन में भी उनकी टीम के बाद इतनी एनर्जी रिजर्व थे कि उन्होंने आसानी से ये डिस्टेंस कवर कर लिया। यानी स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली अप्रोच उन्होंने अपनाई, और इसी अप्रोच के साथ 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वेनियन टीम साउथ पोल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई, पहली कंट्री की टीम बन गई, और ब्रिटिश टीम उनसे एक महीने के भी बाद वहां पहुंची। नॉट ओनली दैट, सबसे सैड और सबसे दुखदायी न्यूज़ जो रही वो ये कि जब वापसी की बारी आई, यानी जब टीम वापस आने लगी, तो वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, इतनी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी कि ऑलमोस्ट ऑल दी एक्सप्लोरर, ऑल दी टीम मेंबर्स
ऑफ ब्रिटिश टीम डाइड ऑन देयर वे बैक होम। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहाँ एक एक जो उनकी टीम मेंबर था वो कब गिव अप करके डाई किया उसके बारे में लिखा हुआ है। सक्सेस पाने का जो सबसे अच्छा तरीका था नॉर्वेनियन टीम का वो ये कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी ऑपोजिट टीम जो है वो उस समय कहाँ पर है, लेकिन उसकी चिंता ना किए बगैर यानी कंपैरिजन किए बगैर उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और जब आखिरी के सिर्फ 45 माइल्स बचे थे तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और बहुत जल्दी उन 72 किलोमीटर्स को पूरा करके ये रेस जो है वो जीत ली। नाउ हाउ कैन यू यूज़ दिस अप्रोच इन योर वेट लॉस जर्नी, इन योर जर्नी टू लूज बेली फैट। नाउ हम भी एक तरह से जब भी वेट लॉस की बात करते हैं, बेली फैट की बात करते हैं, वी प्रेफर द सेम रूट और अप्रोच जो ब्रिटिश टीम ने ली थी, जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना, जल्दी जल्दी वेट लॉस करना, डाइटिंग करना, क्रैश डाइट करना, घंटों जिम में स्पेंड करना। ऐसे में होता क्या है, थोड़े ही टाइम के बाद ना आपके अंदर फिजिकल एनर्जी बचती है ना मेंटल एनर्जी उस अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। वेट लॉस में अगर प्रोग्रेस की बात करें तो आपका स्टडी पेस जो होता है वो बहुत मैटर करता है। वन ऑफ द की थिंग इन वेट लॉस इज मेकिंग स्लो बट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस विद अ स्टडी पेस। नाउ क्रैश डाइट, स्पेंडिंग आवर्स इन द जिम, इनका रिजल्ट क्या होता है? क्रैश डाइट से आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फेस करती है, वो डिप्राइव हो जाती है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। घंटों जिम में बिताने से फिजिकल स्ट्रेन आता है, फिजिकल स्ट्रेस आता है, इससे स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डाउन होते हैं। एज अ रिजल्ट आप ना सिर्फ डीमोटिवेटेड फील करते हैं बल्कि ये चीज़ें आगे जाके बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी रूट कॉज बन जाता है। सो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट, व्हाट इज़ द सीक्रेट जिससे आप असल में परमानेंट वेट लॉस कर सकते हैं? नंबर वन, क्रैश डाइट और बहुत ज़्यादा जिमिंग के बदले आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर कुछ अप्रोच को लेकर आएँ, कुछ हैबिट्स को लेकर आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मेरे पास कोई वेट लॉस के लिए आता है मैं कहती हूँ बिकॉज दे कम विद अ वेरी नैरो अप्रोच, उन्हें 2 महीने का पैकेज चाहिए और 2 महीने में उन्हें सारा वेट लॉस करना है जो उन्होंने 2 साल में गेन किया है। नाउ मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है कि अगर आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है, इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली चेंजिंग योर डाइट, स्टार्ट स्लो। और ये स्टार्ट स्लो कैसे कर सकते हैं आप? जस्ट फोकस ऑन एडिंग 2 extra servings ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 extra servings ऑफ फ्रूट टू योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स। और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, 2 serving of vegetable, आप रॉ वेजिटेबल ले सकते हैं, आप सेमी कुक ले सकते हैं, सेमी कुक्ड आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप स्टीम करके ले सकते हैं, बट जस्ट 2 extra servings of vegetable ना सिर्फ ये आपको फिल महसूस कराएगा, आपकी बॉडी को ये नरिश भी करेगा और प्रिपेयर करेगा कुछ आगे और मैसिव चेंजेस के लिए। धीरे धीरे आप अपने प्रोटीन पे उसके बाद ध्यान दें कि अच्छी क्वालिटी का आप प्रोटीन लें, ध्यान दें कि आप टाइम पे खाएं, जब आप टाइम पे खाएंगे, अच्छी डाइट खाएंगे जो फाइबर में रिच हो, न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, तो आपकी बॉडी सेटिस्फाइड फील करेगी, ना सिर्फ आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी उससे, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होगी, लेकिन यू हैव टू मेक अ स्टडी एंड स्लो प्रोग्रेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ स्प्रिंट। वेट लॉस इज नॉट अ स्प्रिंट रेस, ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। सिमिलरली वेट लॉस के लिए सीधा जाकर जिम में डंबल्स उठाने के बदले या ट्रेडमिल पे स्प्रिंट करने के बदले स्टार्ट वॉकिंग इन योर प्रमाइसेस। वॉक करें 40 मिनट्स के लिए कुछ हफ्तों के लिए, उसे ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट करें, उसे लाइट जॉगिंग में कन्वर्ट करें, एंड आई अश्योर यू इससे आपकी बॉडी थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही हफ्तों में इतना स्टैमिना और इतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगी कि तब आप जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ट्राई कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो जितना वॉक आप पहले 40 मिनट्स में कर रहे थे, अच्छी प्रोग्रेस अगर आप करते हैं तो वही वॉक आप 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन गिव फॉर योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, आप उसमें रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वर्कआउट एज वेल। ऑल्सो स्टॉप कंपेयरिंग कि दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ डूइंग अ सर्टन थिंग्स, क्योंकि इसने ये वाली डाइट फॉलो करी, देन मे बी इट कैन वर्क फॉर मी एज वेल।
सो नॉर्वेनियन टीम के लीडर ने सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही बनाई कि उसने अपनी सोची, अपनी करी। इनफैक्ट ये जो मेन स्ट्रैटेजी थी उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें उन्होंने ऐसे करी जो उन्हें लगा कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, रेदर देन कंपेयरिंग विद अदर टीम्स जो करने वाली हैं। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि उन्होंने एक स्लो स्टडी पेस के साथ प्रोग्रेस की तो वो मोटिवेटेड रहे, उनके अंदर एनर्जी के रिजर्व्स रहे, उनका मेंटल हेल्थ उससे बनी रही। लुक एट दिस डायग्राम, अगर आप इसे देखेंगे कि नॉर्मल आपका जब वेट था, जब आपने वेट पुट ऑन स्टार्ट किया था तो आप एक सर्टन वेट पे थे जो आपके लिए एक आइडियल वेट था। एक साल के अंदर बिकॉज यू मेड सर्टन अनहेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस इन योर लाइफ, तो आपका वेट 10 या 5 केजी गेन हो गया। नाउ आप चाहते हैं कि आपने ये जो जर्नी है एक साल में पूरी की, आप इसे एक महीने के अंदर रिवर्स कर सके, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट माइट टेक यू द सेम टाइम और इवन मोर, बिकॉज हो सकता है कि वेट गेन करने की उस जर्नी में कुछ हेल्थ कंडीशंस या फिर कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपके लाइफ के साथ जुड़ गई हो, तो पहले आपको उसे टैकल करना होगा एंड देन यू कैन बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस। सो इट माइट टेक मे बी मोर देन अ ईयर, मे बी 1 year to 2 months, 1 year 3 months, बट इट विल इवेंचुअली हैपन। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर एज, योर जेंडर। के जो अप्रोच है वेट लॉस की कि स्लो एंड स्टडी आप विन रेस करें, वो परफेक्ट है। डोंट गिव इन टू दोज क्रैश डाइट्स एंड सिंपल हैक्स कि आपने ये ड्रिंक पिया तो आपका इतना केजी वेट लॉस हो जाएगा, या फिर आपने एक सर्टेन डाइट फॉलो करी या कोई एक ऐसा फूड खाया कि बस चिया सीड्स खा के आपका वेट लॉस हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर एंटायर वेल बींग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्रेजुअली मूव करेंगे अपने टारगेट के ऊपर, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थॉट कि एक छोटे से मोटिवेशन की ज़रूरत है। काफ़ी लोग जो हैं ये गलती करते हैं व्हेन दे आर ऑन देयर वेट लॉस जर्नी, दे ट्राई टू अचीव बिगर नंबर्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो कई बार स्ट्रेन क्रिएट करते हैं माइंड के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर। सो ऐसी गलती ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।